हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ये आपका ऑब्जेक्ट का सेट नंबर टू है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हा मेनी डायोड आर यूज हाफ वेब रेक्टिफायर तो हाफ वेब रेक्टिफायर में कितने डायोड का यूज करते हैं तो आपका ऑप्शन क्या होगा वन आपको वन में टिक आउट करना है ठीक है इसका मतलब ए में टिक आउट करना है हाउ मेनी डायोड आर यूज फुल एअ रेक्टिफायर फुल एअव रेक्टिफायर में कितने डायोड का यूज करते हैं तो आपको किस में टिक आउट करना है टू में तो टू ऑप्शन कहाँ पर है बी में ठीक है उसके बाद थ्री नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी डायोड आर यूज ब्रिज रेक्टिफायर ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड का यूज करते हैं तो आपका ऑप्शन क्या होगा डी क्या होगा फोर डायोड का यूज करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर में फोर नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द इफिशियंसी ऑफ फुल एव रेक्टिफायर तो स्टूडेंट आपका फुल एव रेक्टिफायर का जो इफिशेंसी होता है वो क्या होता है एट्टी वन पॉइंट टू परसेंटेज होता है तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा उसके बाद पूछ रहा है व्हाट इज द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ नैंड गेट नैंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा तो ऑप्शन आपका क्या होगा सी होगा ए डॉट बी का होल कंप्लीमेंट होगा उसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सिक्स पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वर्सल गेट इन्वर्सल गेट कौन सा है तो आपको टेकआउट करना है सी क्योंकि आपका नैंड और नॉर दोनों क्या है यूनिवर्सल गेट है तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा सी होगा सेवन नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इसका वैल्यू क्या होगा तो स्टूडेंट इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा वन होगा आपको याद रखना है ठीक है एट नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द आउटपुट ऑफ एक्सक्लूसिव और गेट एक्सक्लूसिव और गेट का आउटपुट क्या होगा तो आपका ऑप्शन क्या होगा बी होगा ए कैप इंटू बी प्लस ए इंटू बी कैप होगा क्वेश्चन नंबर नाइन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इंटू ए का कंप्लीमेंट इसका वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट तो इसका स्टूडेंट इसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा बी होगा मतलब जीरो होगा उसके बाद पूछ रहा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक इक्वेशन दिया गया बाइनरी फॉर्म में वन जीरो वन जीरो वन ये बाइनरी में दिया गया इसका डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो जब इसको बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो स्टूडेंट इसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा ट्वेंटी होगा थैंक यू स्टूडेंट दस प्रॉब्लम था ऑब्जेक्टिव का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इसको ध्यान दीजिएगा यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है थैंक यू स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए लाइक करिए और आपको पसंद लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और कोई प्रॉब्लम रहे तो कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताना है थैंक यू स्टूडेंट्स सेट नंबर थ्री जल्द भी आ रहा है